सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शतकीय पारी के बाद रवि बिश्नोई की अगुवाई में स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी से भारत ने एशियाई खेलों के पुरुष टी20 क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में नेपाल को शिकस्त दी। जायसवाल ने 49 गेंद की पारी में 8 चौके 7 छक्के जड़कर 100 रन बनाए। भारत ने 4 विकेट पर 204 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को 9 विकेट पर 170 रनों पर रोककर सेमीफाइनल की अपनी जगह पक्की कर ली। जायसवाल ने ऋतुराज गायकवाड़ 23 गेंदों में 25 रन के साथ 59 गेंदों में 103 रन की शतकीय साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। शुभम दुबे ने 19 गेंदों में 25 रन बनाए और रिंकू सिंह ने 15 गेंदों में 37 रन बनाए। 5वें विकेट के लिए 22 गेंदों में 52 रनों की अटूट साझेदारी कर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। रिंकू ने 2 चौके और 4 छक्के जड़े, जबकि दुबे ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 21 साल के जायसवाल ने मैदान के 4 ओवर बाउंड्री जड़े। उन्होंने 23 गेंदबाजों स्पिनरों के खिलाफ सहजता से चौके और छक्के लगाए। रिंकू सिंह ने एक बार फिर मैच में फिनिशर की अपनी भूमिका को शानदार तरीके से निभाया है। उनकी पारी के बदल टीम ने 20वें ओवर में 25 रन बटोरे, जिसने इस मैच में बड़ा अंतर पैदा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करते समय नेपाल की टीम 13 ओवर में 4 विकेट पर 120 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी, लेकिन बिश्नोई ने खतरनाक बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी 15 गेंदों में 32 रन और हरदीप ने संदीप द्वारा 12 गेंदों में 19 रन को आउट कर मैच में भारत की वापसी कराई। दोनों ने 5वें विकेट के लिए महज 20 गेंदों में 45 रन की साझेदारी कर भारतीय खेमे में थोड़ी देर के लिए खलबली मचा दी थी। बड़े स्कोर वाले इस मैच में बिश्नोई और पदार्पण कर रहे साई किशोर ने नेपाल की रन गति पर अंकुश लगाकर मैच में उलटफेर होने से टीम को बचा लिया। बिश्नोई ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झड़के, जबकि पदार्पण कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर किशोर ने 4 ओवर में महज 25 रन खर्च कर 1 विकेट लिया। आवेश खान 4 ओवर में 32 रन पर 3 विकेट लिए। हरदीप ने 4 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन नेपाल के बल्लेबाजों ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन बटोरे। दुबे ने 3 ओवर में 37 रन लुटाए और तेज गेंदबाजों का सही प्रदर्शन कोच वीवीएस लक्ष्मण के लिए चिंता का सबब होगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी प्रतिद्वंदी टीम उन्हें और परेशानी करती नजर आएगी। वीडियो जरूर करें।